फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ऑल इन वन पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हो, इसके लिए कौन सा ऐप इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करते हैं। और उसके साथ वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल वाला जो बटन देख रहा है उस पर आप लोग जाइए और क्लिक करिए, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने से आपको हेल्प होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। दोस्तों, तो चलिए अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ग्रो होता है एक इंस्टाग्राम अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो फ्लो चार्ट है उसको मैं ओपन करूंगा और उसके साथ आप लोग देख सकते हो जो पहले जो मैं अकाउंट क्रिएट किया था, जहां पर मैंने बायो को लगाया था, उसके साथ मेरा जो बायो में कैसे डिजाइन करना है वो किया था, स्टोरी डिजाइन आपको दिखाया था, सब कुछ पहला जो वीडियो था उस पर मैं दिखा दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आज दिखाऊंगा ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट से हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल को, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो जो चीज की जरूरत है, देखो ये पूरा नया अकाउंट है, देख सकते हो, आपके सामने मैं ओपन किया। तो इसके लिए जो जो एप्लीकेशन की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है हैशटैग। तो हैशटैग के लिए आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोग एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसको आप लोग सर्च करिए, जिसका नाम है टैगमी। टैगमी बोलकर जो एप्लीकेशन आपको फास्ट पर दिखेगा वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये जो एप्लीकेशन है टैगमी, इसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करिए। पहले मैं इसको दिखाता हूं कैसे काम करते हैं टैगमी, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, तो देखो ये है टैगमी। टैगमी ओपन हो गया है मेरे सामने। तो इधर इसने बोला है कौन सा क्या क्या कलर चाहिए देखने में, तो मैं जो कलर आपके लिए मैं ब्राइट मिंट लेता हूँ और उसके साथ इसको लेट्स गो करता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग सीख सकते हो कैसे करना है काम। तो इसके लिए मैं देखो यहाँ पर देखो लाइव साइन है, लाइव साइन के अंदर रिसेंट पोस्ट वगैरह है जो सब कुछ देख सकते हो। उसके साथ आप लोग देख सकते हो ये है मूड वगैरह के लिए आप लोग कैप्शन या फिर आप लोग हैशटैग भी ढूंढ सकते हो मूड वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो मेरे को चाहिए मूड वगैरह के ऊपर, मेरे को हैशटैग नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए हैशटैग पूरा जेन्युइन हैशटैग। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर जो सर्च ऑप्शन देख रहा है वो नीचे वाला जो सर्च ऑप्शन, तो इसको मेरे को क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्लिक करने के बाद देखो जैसे मैं इधर में क्या कैसे सर्च करूंगा वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड पर मैं दिखाता हूँ वो चीज को, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, सीखना है तो आप लोग ध्यान से सीखिए चीज को, ठीक है। तो इसको मैंने नोटपैड भी ओपन कर लिया, आपके सामने देख सकते हो। तो अभी फिलहाल मेरे को चाहिए ग्रो करने के लिए, मेरा एक फोटो है जिस फोटो पर नेचर वाला फोटो है और उसके साथ मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे को नेचर वाला जो फोटो है, नेचर फोटो ही है, तो वो वाला जो नेचर फोटो है, नेचर फोटो को मेरे को ग्रो करना होगा। तो इसके लिए मैं इधर लिखूंगा नेचर, ठीक है। नेचर लिखने के बाद इसको जब सर्च करूंगा मैं, सर्च करने के बाद आप लोग ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद देखो, पहले से आप लोग ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखो ये वाला जो नेचर मैंने ओपन किया, नेचर ओपन करने के बाद नेचर के अंदर बहुत सारे टैग मेरे को देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। टैग मेरे को बहुत सारे देखने के लिए मिल गया है, नेचर पिक्स, नेचर वगैरह ये सब लिखा है, ठीक है। लेकिन मेरे को इससे चॉइस करना होगा ऐसा टैग जिस टैग से मेरा फोटो को ग्रो मिल जाए। तो इसके थ्रू देखो ये वाला मैं लूंगा, नेचर परफेक्शन 1 मिलियन पोस्ट है, नेचर शॉट 2 मिलियन पोस्ट है। आप लोग पहले देखो कि पहले हाई रैंक उसके बाद लो रैंक, पहले सीखो कैसे होता है, पहले देखो
हाई रैंक टैग टैग्स, ठीक है। उसके बाद मीडियम टैग्स, उसके बाद आता है आपका लोअर टैग्स, ठीक है। ये चीज इस पर कितना आएगा, इसका इसके अंदर 10 टैग्स आएगा, इसके अंदर आएगा 10 टैग्स, और इसके अंदर भी आएगा आपका 10 टैग्स, ठीक है। तो हाई लो कैसे ढूंढे, ठीक है, हाई लो हम लोग कैसे ढूंढे, इतना इजी नहीं है। हाँ तो देखो पहले मुझको हाई लो करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर देखो इतना ज्यादा तो नहीं है मैं जो ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सके उतना मैं इधर से लेता हूँ, और इधर से जनरेटर वगैरह है इसके अंदर मैं पहले सर्च कर लेता हूँ हाई कि नहीं, देखते हैं नेचर नेचर के ऊपर कुछ हैशटैग मिल जाता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये कीवर्ड हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो इधर से मेरे को नेचर के अंदर मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके साथ 8, उसके साथ 9, 10 मिल गया है। तो मैंने इसको मैं इधर से जाऊंगा, इधर से मिल गया है तो मैं इसको ले जाऊंगा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर। देखो ध्यान से सीखो, इसको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर ले जाऊंगा, इसके अंदर से मैं एक फोटो इधर से लूंगा। देखो कि मैं ये वाला फोटोज को लेता हूँ, इधर से ले लिया पबजी का, और इधर से मैं इसको क्लिक कर दिया और इधर नेक्स्ट कर दिया। इस बार देखो इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया जो वाला मेरे को लास्ट लिया था, ठीक है। लेने के बाद इस बार मेरे को हाई ढूंढना है, तो क्या करूंगा हाई ढूंढने के लिए, नेचर, ठीक है, नेचर मैंने इधर लिखा। और देखो ये इसके अंदर हाई कौन सा, लो, लो वाला आप लोग जैसे ध्यान से ढूंढ सकते हो, नेचर फोटोग्राफी ये लो है, तो लो मेरे को इजी से मिल जाएगा। लो कौन सा है मेरे को इजी से ध्यान से ढूंढने से ही मिल जाएगा। देखो ये वाला लो है, तो लो मेरे को इजी से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेचर लिखा मैंने, उसके बाद ये वाला हाई है, ठीक है। मेरे को पहले नेचर के अंदर से लो और हाई को ढूंढना है, तो हाई कौन सा है आप लोग समझ में आ गए हैं। ये वाला था 1 मिलियन पोस्ट, और हाई होगा 1 मिलियन से ज्यादा जो होगा वो होगा हाई, और लो होगा जो 1 मिलियन के नीचे। 1 मिलियन के नीचे कौन सा है नेचर, देखो 1 मिलियन के नीचे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, सॉरी ये वाला है, और इसके साथ ये वाला है, इसके बाद ये वाला है। इसको सबको लेने के बाद आप लोग फोटो को शेयर करो, फोटो को शेयर करने के बाद देखो क्या होता है, आपका जो प्रोफाइल है उस पे अंदर कितना लाइक्स आता है, कितना व्यूज वगैरह आता है। दोस्तों तो मैंने आज जो चीज दिखाया इसके थ्रू आप लोग आपका प्रोफाइल को अच्छा खासा ग्रोथ वगैरह कर सकते हो। किसके थ्रू, के पहले आपको हाई रैंक टैग ढूंढना है, मीडियम टैग ढूंढना है, और लोअर टैग को ढूंढना है। इसके बाद टैग ढूंढने के बाद आप लोग डालिए। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो एप्लीकेशन को मैंने दिखाया, ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा हाई लो मीडियम कैटेगरी के अंदर ही आपको टैग वगैरह मिल जाएगा, और खुद से 30 टैग्स इधर नहीं मिलता है। किसी किसी टॉपिक के अंदर 30 टैग्स मिल जाता है, 30 टैग्स नहीं मिलेगा तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने दिखाया ट्रिक को कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे जाने के बाद इस तरह आप लोग टैग को ढूंढ सको। जैसे इधर हैशटैग लिखोगे लो, जैसे लो लो आपका लोअर टैग चाहिए तो नेचर लिखो और इसके अंदर से लोअर टैग को ढूंढकर आप लोग दीजिए। तो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, नेक्स्ट जो चीज को दिखाऊंगा, तो ये टैग वाला ऑप्शन खत्म हो गया है। तो अभी फिलहाल मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वो है आपका, ध्यान से देखो, वो है और एक एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन को आपको मस्ट रखना पड़ेगा। आप लोग जब इंस्टाग्राम पर अच्छा खासा ग्रो वगैरह चाहते हो तो आपको ये एप्लीकेशन सबसे जरूरत है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपका प्रोफाइल ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल इस एप्लीकेशन के थ्रू ग्रो हो जाएगा। कैसे ग्रो होगा मैं दिखाता हूँ। चलो दोस्तों ध्यान से देखो ये इसको, ये इसका काम क्या है, इसका काम है आप लोग ध्यान से देखो, ये हो गया आपका टैग का पार्ट। टैग कैसे डालना है, हाई रैंक टैग डालना है, लो रैंक, और उसके साथ
आपका लोअर टैग, टेन टैग डालना है, टैग का हो गया। अभी मैं दिखाता हूं आपको सोशल कैलेंडर। सोशल कैलेंडर क्या है? सोशल कैलेंडर होता है आपका ये जो है, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग इंस्टाग्राम या फिर आपका फेसबुक या फिर आपका ट्विटर, उसको सोशल कैलेंडर बना सकते हैं। कैलेंडर मेंटेन, जैसे आप लोग एक दवाई लेते हो, एक टाइम से दवाई लेते हो ना, जैसे टाइम से दवाई लेते हो कि रात 11 बजे एक दवाई है, एक सुबह 10 बजे एक दवाई है, एक दोपहर 2 बजे एक दवाई है। तो दवाई जैसे लेते हैं उस तरह इधर भी आपको आपका प्रोफाइल को कनेक्ट वगैरह करना पड़ेगा, और उसके साथ इसको भी इंस्टाग्राम को भी, आपका खुद के इंस्टाग्राम को भी दवाई देना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम आपको इस समय दवाई लेना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आपको इस समय दवाई लेना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आपको इस समय दवाई लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको पहले लॉग इन कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको लॉग इन करने के बाद आपको साथ लॉग इन कर लेते हैं, इसको लॉग इन कर लेते हैं। तो लॉगिन ट्राई करते, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको दिखाऊंगा। तो दवाई जैसे सब लोग लेते हैं उस तरह आपको इंस्टाग्राम को दवाई देना पड़ेगा। इंस्टाग्राम को दवाई चाहिए कि मेरे को 10 बजे एक दवाई दो, एक 9 बजे एक दवाई दो, एक 3 बजे एक दवाई दो, एक 5 बजे मेरे को एक दवाई दो, ठीक है। तो ये चीज ओपन नहीं हो रहा है, तो रुको मैं देखता हूँ, ओपन नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका? इस बार तो ओपन हो जाए। हाँ, तो ये देखो दोस्तों, ये ओपन हो गया है। इसके अंदर हमको क्या काम करना पड़ेगा, ये जो हमारा हूटसूट है, इसका नाम है हूटसूट, और इसको बोलते हैं हम लोग सोशल कैलेंडर। डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज की इसको बोलते हैं सोशल कैलेंडर, ठीक है। और ये जो हूटसूट एप्लीकेशन है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सोशल मीडिया को, मीडिया पे ग्रो करने के लिए। तो पहले आप लोग ध्यान से इस एप्लीकेशन को देखिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपका चैनल को बहुत अच्छा खासा, सॉरी चैनल नहीं, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिलाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको अभी चाहिए फेसबुक का लॉगिन, फेसबुक का भी लॉगिन चाहिए। इधर फेसबुक लॉगिन नहीं होगा, देख लेते हैं, टर्न करते हैं, गॉट इट, ठीक। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा हूटसूट अकाउंट, ठीक है, ये है हमारा हूटसूट का अकाउंट। तो हूटसूट जो अकाउंट है, इधर आपको सोशल कैलेंडर, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा, ये तो एक एप्लीकेशन है, कैसे हेल्प होगा आपका? बहुत अच्छा हेल्प होगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग शेड्यूल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है, शेड्यूल कर सकते हो, शेड्यूल का मतलब होता है कि टाइम मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैं बोला था सेटिंग नहीं, उसके पहले जो वीडियो बना था उस पर बोला था कैसे टाइम देखना है। तो उस समय जब आप लोग टाइम देखोगे इंस्टाग्राम के अंदर कि कौन सा टाइम में आपका कौन सा बंदा आपका वीडियोस देख रहा है या फिर आपका फोटोज देख रहा है, उस समय आपका पोस्ट को पहले डालिए। पहले जो बिगिनर्स लेवल पर आपको इसको यूज करना पड़ेगा, मस्ट टू मस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये एक आपको टाइम मेंटेन करके देता है। जैसे एक सोचो कि मेरा एक टाइम है 10 बजे में इस पोस्ट को डालूंगा, सुबह 9 बजे एक पोस्ट डालूंगा, सुबह 8 बजे एक पोस्ट डालूंगा। तो आप लोग इधर से एक शेड्यूल बना लीजिए, शेड्यूल जब इधर से बना लोगे तो आपका भी ग्रो रेट बहुत अच्छा होना शुरू कर देगा दोस्तों। तो लेट्स गो दोस्तों, देखिए इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं और कैसे इसको यूज होता है।
तो पब्लिश के अंदर जाओगे, इधर देखो आपको शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा। शो शेड्यूल, शो स्केड्यूल जो है, स्केड्यूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6, 7, ये है हमारा आज का दिन। तो इधर आपको 8 बजे ले सकते हो। तो ड्राफ्ट के अंदर तो मैंने इधर कॉम्पोज एक पोस्ट किया, क्लिक किया, 8 बजे पोस्ट में डालूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इधर गया, इधर जाने के बाद मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इधर कुछ आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद आप लोग ऊपर जो प्लस बटन है इसको क्लिक करके आप लोग इधर से ले ओ। लेने के बाद इसको थोड़ा सा बैक करो। बैक करने के बाद देखो दोस्तों, इधर नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और इसको करो कंटिन्यू। तो क्या होगा, एंड रेडी टू स्केड्यूल। मैंने इसको स्केड्यूल वगैरह कर दिया, तो स्केड्यूल पर मैंने क्लिक किया और ये स्केड्यूलिंग हो रहा है। तो मैंने क्या किया आपके सामने, आप लोग ध्यान से देखो, 16 जुलाई 8 बजे ये पोस्ट हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ देखो, ये 8 बजे पोस्ट होगा, ठीक है। तो कल को मैं पोस्ट करूंगा, तो कल वाला जो पोस्ट कैसे होगा, 17 को क्लिक करेंगे। 17 को क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोग थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। तो देखो 17 को कौन सा टाइम आप लोग प्रेफर करोगे। तो मैं 8 बजे जो है, 8 बजे आप लोग ले सकते हो। देखो 8 बजे के ऊपर डबल क्लिक किया, 9 बजे ले सकते हो, 10 बजे, इस तरह डबल क्लिक करोगे आप लोग का टाइम पकड़ लो। मैं एक टाइम आपको बोल देता हूँ, इस टाइम को आप लोग यूज करो। एक टाइम है कि आप लोग यूज कर सकते हो 8:12:04, 8:12:04, ये टाइम को यूज करो और यूज करने के बाद मेरे को बोलो हुआ कि नहीं दोस्तों। तो आज जो दो एप्लीकेशन के बारे में बताया, एक है आपका टैग मी और एक है आपका हूटसूट, ये दोनों को यूज करो। यूज करने के बाद बोलो कैसा ग्रो हो रहा है आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, क्योंकि आप लोग कंटेंट अच्छा दोगे तो आपका भी ग्रो होना शुरू कर देगा। और कल जो बताऊंगा वो वेबसाइट आप लोगों को बहुत अच्छी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप फ्री पे भी ढूंढ सकते हो और पेड भी है। पेड लोगे तो बहुत बढ़िया है और फ्री में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस तरह मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारे प्यार दीजिए। और इस तरह वीडियो पाने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे प्यार भी करते रहिए।